Good morning, everyone. आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोसीजर फॉर इफेक्टिंग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कि अगर आपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस लेना है तो क्या स्टेप्स हैं सबसे पहला है पॉलिसी एंड कंपनी जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज आप चूज करेंगे कौन सी पॉलिसी आपने लेनी है डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल्स में से फॉर मोटर इंश्योरेंस उसके बाद जो पर्सन है वो सर्च आउट करेगा कितना रिस्क कवर उसे चाहिए क्या कंडीशंस हैं पॉलिसीज की और प्रीमियम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेलेक्ट करने के लिए और वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज वो कर रही हैं इंडिया में तो डिफरेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स वो ऑफर कर रही हैं डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो जो प्रपोजर है मतलब जो पर्सन है जिसने लेनी है पॉलिसी वो चूज करेगा कि कौन सा इंश्योरर उसे सूट बैठता है देन नेक्स्ट है आपका फाइलिंग ऑफ प्रपोजल फॉर्म फॉर इंश्योरेंस सिलेक्शन करने के बाद इंश्योरर का जो पॉलिसी है उसका जो प्रोपोजर है जो प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड है वो फिल करेगा जो भी आपका प्रिस्क्राइब प्रपोजल फॉर्म है उसको और सेपरेट फॉर्म्स अवेलेबल है लाइबिलिटी और पैकेज पॉलिसीज के लिए टू व्हीलर्स प्राइवेट कार्स कमर्शियल एंड कमर्शलियस व्हीकल्स के लिए जो प्रपोजल फॉर्म है नॉर्मली आपसे क्या इन्फॉर्मेशन वो लेता है प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या कॉलम्स होते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है नेम एड्रेस प्रपोजल का टाइप ऑफ कवर व्हीकल्स की डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजन नंबर चेसिस नंबर मेक ऑफ व्हीकल model, type of body, cubic capacity, seating capacity, fuel used, accessories used, value of the vehicle.

तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इवेलुएट करेगी उस सबमिटेड प्रपोजल को डिटेल में सारी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको एनालाइज करेगी डिटेल मैनर में प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले जो भी फिजिकल हैजार्ड्स हैं मॉरल हैजार्ड्स हैं उनको डिसाइड इवेलुएट किया जाएगा डिसाइड करने से पहले कि जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं है अगर एक्सेप्ट करना है तो किस रेट ऑफ प्रीमियम पर एक्सेप्ट करना है क्या प्रीमियम चार्ज किया जाएगा और जो बेनिफिट है डी टैरिफ रेट्स का वो अलाउ करना है या नहीं करना है और अगर वो अलाउ करना है तो किस परसेंट पे अलाउड करना है जो प्रीमियम रेटिंग है वो बेस्ड होगी फॉलोइंग uh, फैक्टर्स पे की कि कितना प्रीमियम चार्ज किया जाएगा आपकी इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू पे क्यूबिक कैपेसिटी जियोग्राफिकल एज ऑफ दी आता है इशू ऑफ कवर नोट या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस अगर जो प्रपोजल है आपका एक्सेप्ट कर लेती है इंश्योरेंस कंपनी और जो एडवांस प्रीमियम है आप पे कर देते हैं प्रपोजल को तो जो कवर नोट है इशू की कर दिया जाता है इंश्योर को इंश्योर के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो कर दिया जाएगा उसी टाइम पर एज पर सेक्शन 145 सब सेक्शन बी ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब है एक सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया जा रहा है ऑथराइज इंश्योर के थ्रू इन परसुंस ऑफ सब सेक्शन सेक्शन ऑफ सबसे और जिसमें एक कवर नोट इंक्लूड होता है जो कंपाइल करेगा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी प्रिस्क्राइब जो की गई हैं

वहीकल पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ इंश्योर्ड वहीकल सिटिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ बॉडी ऑफ वहीकल क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ व्हीकल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सेट्रा देन इंश्योरेंस पॉलिसी उसके बाद जब आपको पॉलिसी है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मली वन मंथ का जो पीरियड है कंपनी के पास होता है आपको पॉलिसी इशू करने के लिए तो जो कवर नोट आप उसने आपको दिया है वो तो इमीडिएटली मिल जाएगा लेकिन जैसे ही आपका पॉलिसी आपको मिल जाती है तो जो कवर नोट है वो एक्सपायर हो जाता है इमीडिएटली और जो कवर नोट है वो वैलिड होता है वन मंथ के लिए सिर्फ तो जो पॉलिसी है आपको वन मंथ के अंदर जो कंपनी है उसने इशू करनी है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ ओन डैमेज क्लेम्स इन मोटर इंश्योरेंस क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो होता है सबसे पहला है इंटीमेशन टू इंश्योरर जो इंश्योर्ड है वो इंटीमेट करेगा इंश्योरर को अबाउट दी लॉस या जो डैमेज हुआ है मोटर व्हीकल को एस सुन एज पॉसिबल उसके बाद जो इंश्योर्ड है वो इंटीमेट कर सकता है नियरेस्ट ऑफिस में इंश्योरर के नेसेसरी नहीं है टू इंटीमेट दी पॉलिसी ऑफिस में आप जो है इंटीमेट कर सकते हैं और जो इंटीमेट है वो सब इंश्योर भी कर सकता है और उसका नॉमिनी भी कर सकता है देन नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज एंट्रिंग द्लेम इन दी क्लेम रजिस्टर जब इंश्योर जो है उसने रिसीव कर लिया है इंटीमेशन इंश्योर से तो जो इंश्योर है उसे वेरीफाई करेगा पॉलिसी को टाइप ऑफ रिस्क को जो कवर्ड है अंडर दी पॉलिसी और वेरिफिकेशन के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद जो सेटिसमेशन है वो एंटर करेगा एक रजिस्टर में जिसे क्लेम रजिस्टर कहा जाता है और हर एक क्लेम को एक नंबर अलॉट किया जाता है और वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा इंश्योर्ड को जो भी उसका नंबर है जो वेरियस डिटेल्स होगी क्लेम की जैसे पॉलिसी नंबर व्हीकल नंबर डेट ऑफ एक्सीडेंट डिटेल्स ऑफ ड्राइवर डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट क्लेम एक्सेट्रा उसे रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है देन नेक्स्ट जो आपका स्टेप uh, आता है दैट इज क्लेम फॉर्म जो क्लेम फॉर्म है वो इशू किया जाएगा इंश्योर्ड को उसकी जो क्लेम रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री करने के बाद और जो क्लेम फॉर्म है उसमें कौन-कौन से कॉलम होते हैं क्लेम नंबर पॉलिसी नंबर इंश्योर्ड नेम इंश्योर्ड एड्रेस व्हीकल डिटेल्स डाटा एंड प्लेस ऑफ लॉस ड्राइवर डिटेल्स एक्सीडेंट डिटेल्स वर्कशॉप डिटेल्स थेफ डिटेल्स स एंड इंस्पेक्शन ऑफ क्लेम दो टाइप्स के लॉसिस हो सकते हैं एक मेजर लॉस और एक है माइनर लॉस इन केस ऑफ मेजर लॉस और एक्सीडेंट्स जिसमें फायर जो है या रॉयट लॉस्टिस हैं या जो इंश्योरर है वो अपॉइंट करेगा उस केस में एक स्पोर्ट सर्वाइवर को जो विजिट करेगा साइट ऑफ एक्सीडेंट को इंस्पेक्ट करेगा उसको जो स्पोर्ट सर्वे सर्वे है वो नेसेसरी है इन केस ऑफ एक्सीडेंट टू ऑल कमर्शियल व्हीकल्स और उसके बाद जो व्हीकल है उसे टो किया जाएगा किसी भी वर्कशॉप पे और जहां पर दूसरा सर्वेयर अगेन विजिट करेगा और एस्टीमेट लेगा वर्कशॉप से फोटोग्राफ्स लेगा डैमेज व्हीकल की और अपनी सेटिस्फेक्शन करने के बाद वो अलाउ कर सकता है रिपेयर्स के लिए इन केस माइनर एक्सीडेंट है तो जो व्हीकल है उसे वर्कशॉप पे लाया जा सकता है और जो सर्वेयर है वहीं पे विजिट करेगा और कंप्लीट करेगा फॉर्मेलिटीज को जिसमें वो फोटोग्राफ्स भी लेगा डेमेज व्हीकल के और इन बोथ केसेस रिपेयर के बाद जो सर्वेयर है फोटोग्राफ्स लेगा रिपेयर व्हीकल की अलॉन्ग विदेज पार्ट टू जस्टिफाई दी क्लेम देन नेक्स्ट आता है आपका एंटीमेशन टू पुलिस स्टेशन एंड एफ आई आर फेटल एक्सीडेंट हुआ है तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसे इन्फॉर्म किया जाएगा एफ आई आर लॉन्च की जाएगी जो डिटेल है इंजरीज की या डेथ की या डैमेज की थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को उसे इंफॉर्म किया जाएगा पुलिस को जो कॉपी है एफ की वो हैंड ओवर की जाएगी सर्वेयर को जो उसे सबमिट करेगा कंपनी को अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट स्टेप सेटलमेंट ऑफ क्लेम सबमिशन करने के बाद रिपोर्ट की जो सर्वेयर करेगा कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है डिटरमाइन करेगी कि कितना एक्सटेंड ऑफ उसका लाइबिलिटी बनता है अमाउंट ऑफ लॉस कितना इंडेमनीफाई उसने करना है उसके बाद जो इंश्योर्ड है उसे सबमिट करना पड़ेगा बिल ऑफ द रिपेयर और एक सेटिस्फेक्शन नोट इंश्योर को और जो रिसिप्ट है इसकी मिलने के बाद जो इंश्योरर है पे करेगा अमाउंट इंश्योर को और जो रिपेयरर है या फिर उसको वो सीधा डायरेक्टली कर सकता है एस पर देर सेटलमेंट देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट अगर जो सर्वेयर है वो उसका ओपिनियन ये है कि जो व्हीकल है वो उस पोजिशन में नहीं है कि उसे रिपेयर करवाया जाए या जो रिपेयर है उसे करवाना इकोनॉमिक नहीं है मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है देन दी दी व्हीकल व्हीकल ऑफ जो की वैल्यू है उससे तो वो नेगोशिएशंस कर सकता है इन शॉर्ट से कि वो से टोटल लॉस डिक्लेयर कर दे और इन केस ऑफ टोटल लॉस एक रीजनेबल और फेयर सम जो है एज पर दी मार्केट वैल्यू ऑफ दी व्हीकल वो सेटल किया जाता है और अगर जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है इंश्योर्ड वैल्यू से तो जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो पे की जाएगी एज अ क्लेम और जो अमाउंट पे की जाएगी जो स्लावेज Uh, है उसे ले लिया जाएगा और जो अमाउंट है उसे पे कर दिया जाएगा बाय द इंश्योरर और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है uh, रिलेटेड टू डैमेज वहीकल्स जैसे रजिस्ट्रेशन बुक साइन टीओ एन टीटीओ फॉर्म्स और दूसरी चीजें जैसे कीज एक्सेट्रा वो कलेक्ट कर ली जाएंगी इंश्योर से जो इंश्योर है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है उसे स्क्रैप कर सकता है जिस भी मैनर में वो फिट समझता है और अगर व्हीकल को सब्सक्राप स्क्रैप किया गया है तो जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसे फॉरवर्ड किया जाएगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कैंसिलेशन के लिए दैन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज सेटलमेंट ऑफ थेफ्ट क्लेम अगर थे व्हीकल की वो भी एक अनदर केस है जहाँ पर टोटल लॉस क्लेम बनता है और इन केस ऑफ थेफ्ट जो इंश्योरर है उसे फाइल करनी है कंप्लेंट पुलिस के साथ पास और ऑन फाइलिंग द एफआईआर जो पुलिस है वो रजिस्टर करेगी उसे और अपने स्टेशन रजिस्टर में और उसे एक नंबर अलॉट करेगी जिसे स्टेशन डायरी एंट्री नंबर कहा जाता है और उसके बाद जो पुलिस है इन्वेस्टिगेट करेगी केस को आ, कोशिश करेगी व्हीकल को ढूंढने की लेकिन अगर जो पुलिस है वो फेल हो जाती है व्हीकल को ट्रेस करने में विद इन टाइम तो जो पुलिस है वो फाइल करेगी केस को एस अनडिटेक्टेड एंड अनट्रेसेबल और जो इंश्योर्ड है उसको सबमिट करन, करना है एस डी नंबर और अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट पुलिस से लेकर टू तो इंश्योरर को अलोंग विद आर सी बुक जो आर सी बुक है अगर वो भी खो गई है तो जो इंश्योर है उसे डुप्लीकेट आरसी निकलवानी पड़ेगी आरटीए से और उसके बाद जो इंश्योरर है वो डिमांड कर सकता है एक एफिडेविट इंश्योर से और कि वो जो भी अमाउंट होगा रिफंड कर देगा अगर व्हीकल दोबारा से मिल जाता है और उसके बाद जो इंश्योरर है सेटल करेगा क्लेम बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम और जो रजिस्ट्रेशन बुक है कीज़ है वो प्रिजर्व कर ली जाएंगी बाय इंश्योरर उसकी अपनी कस्टडी में रख ली जाएंगी और सो so दैट उसे रेडिली अवेलेबल करवाया जा सके अगर व्हीकल बाद में मिल जाता है और ये मैंडेटरी है इंश्योरर के लिए इन्फॉर्म करना आर को इस केस में जो सबमिट करवाने होते हैं आपको दैट इज क्लेम फॉर्म रजिस्ट्रेशन बुक ड्राइविंग लाइसेंस परमिट इन केस ऑफ कमर्शियल वहीकल्स ओनली फिटनेस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ओनली पुलिस रिपोर्ट बिल फ्रॉम रिपेयर

Uh, जो थर्ड पार्टी क्लेम्स को एडजस्ट uh, uh, करेंगे तो जो मैक्ट है वो सेटअप किया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट और जो सिविल कोर्ट है uh, वो क्लेम केसेस नहीं ले सकता तो जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी ट्रिब्यूनल को विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट और फॉलोइंग पर्सन जो है वो एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए मैक्ट को अंडर सेक्शन वन सबसेक्शन वन वो पर्सन जिसने इंजरी सस्टेन की है बाय द ऑनर ऑफ द द द प्रॉपर्टी या बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ दी इन केस ऑफ डेथ और बाय एनी एजेंट जो ड्यूली ऑथराइज है बाय द पर्सन इंजर्ड और ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस प्रोसीजर क्या है क्लेम के लिए एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद फॉर कंपनसेशन एप्लीकेशन जो है वो कंपनसेशन के लिए जो थी वो रिसीव होने के बाद मेड अंडर सेक्शन 166 जो मैक्ट है वो एक इंक्वायरी करेगा इनटू टू दी क्लेम आफ्टर गिविंग नोटिस टू दर और गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग दूसरी पार्टी की बात भी वो सुनेगा और आफ्टर हियरिंग दार्टीज वो अवॉर्ड करेगा डिटरमाइन करेगा की अमाउंट ऑफ कम्पन्सेशन कितना होना चाहिए और स्पेसिफाई करेगा नेम्स पर्सन के जिसको कम्पन्सेशन पेबल होगी देन मैक्ट जो है वो डिलीवर करेगा कॉपीज जो भी उसने फैसला दिया है उसकी टू दंसर्न पार्टीज विदिन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द्ड जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए कंपनसेशन उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी अमाउंट ट्रिब्यूनल को विद इन थर्टी डेज ऑफ अवार्ड देन डॉक्यूमेंट्स क्या है क्लेम के लिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ ड्राइवर्स प्रोसिक्यूशन डेथ सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ एज इनकम एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज दे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच